क्या आपने कभी सोचा है कि आप मुंबई से पुणे मात्र 30 मिनट में पहुंच सकते हैं या दिल्ली से लखनऊ मात्र 45 मिनट में? ये कोई स्वप्न नहीं अपितु सच्चाई बन सकती है हाइपर लूप की बदौलत, जिस पर भारत में अब कार्य आरंभ हो चुका है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको बुलेट ट्रेन से भी 3 गुना अधिक गति से चलने वाली हाइपरलूप ट्रेन के भारत में हो रहे कार्य की विशेष जानकारी देने वाले हैं। जानेंगे हाइपरलूप परियोजना की वर्तमान परिस्थिति, आखिर क्या है ये हाइपरलूप, भारत में इसका विकास कहां तक पहुंचा है और कब हम इसमें यात्रा कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं, तो मित्रों संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जहां एक ओर भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मुंबई से अहमदाबाद के मध्य 508 किलोमीटर की दूरी पर संपूर्ण भूभाग में बुलेट ट्रेन को धरातल पर उतारने के लिए परियोजना पर तीव्र गति से निर्माण कार्य संचालित है, जिसमें कि मुंबई से अहमदाबाद के मध्य की दूरी लगभग 2 घंटे में ही तय की जा सकेगी, परंतु अब उससे भी 3 गुना अधिक गति से चलने वाली हाइपरलूप ट्रेन पर भी कार्य चालू हो रहा है, जिसकी हम आपको इस वीडियो में एक्सक्लूसिव अपडेट तथा वर्तमान परिस्थिति की विशेष जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान की भारत सरकार देश को विकसित बनाने के लिए भारत के संपूर्ण भूभाग पर आधारभूत संरचनाओं का अभूतपूर्व विकास कर रही है, चाहे वह रोड का चौड़ीकरण हो, एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, फ्लाईओवर और पुलों का निर्माण हो, स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना को साकार करना हो, देश को स्वच्छ बनाना हो, नगरों को मॉडर्न बनाना हो अथवा देश की गति को बढ़ाने में योगदान देने वाले जितने भी परियोजनाएं हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, जिसमें रेल व रोड के साथ एयरपोर्टों का भी निर्माण सम्मिलित है। बता दें कि हाइपरलूप एक क्रांतिकारी परिवहन तकनीक है जिसे एलन मस्क ने 2013 में प्रस्तावित किया था। यह एक वैक्यूम ट्यूब के भीतर चलने वाली ट्रेन होती है जो अत्यंत कम घर्षण के कारण 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति पकड़ सकती है। हाइपरलूप की विशेषताओं की जानकारी देने हेतु बता दें कि यह सुपर फास्ट स्पीड 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की यात्रा करा सकती है। यह एनर्जी एफिशिएंट होती है क्योंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीकी पर आधारित होती है। इसकी लागत भी कम होते हैं क्योंकि इसके रखरखाव और ऑपरेशन कॉस्ट कम होते हैं तथा यह पर्यावरण के अनुकूल भी होती हैं क्योंकि इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। अब यदि बात करें भारत में हाइपरलूप के विकास की, तो आपको हम बता दें कि भारत में हाइपरलूप ट्रेन का सपना साकार करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर कार्य हो रहे हैं। वर्जिन हाइपरलूप और एलन मस्क की कंपनी भारतीय सरकार के साथ इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए बातचीत कर रही है। बता दें कि भारत में परिवहन प्रणाली को एक नई दिशा देने के लिए हाइपरलूप तकनीकी पर कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिनों देश के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का निरीक्षण किया है। यह ट्रैक लगभग 410 मीटर लंबा है और इसमें 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से ट्रेन दौड़ सकती है। इस अत्याधुनिक तकनीकी को IIT मद्रास के युवा इंजीनियरों की टीम ने डिजाइन किया है। रेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर भविष्य के ट्रांसपोर्ट के इनोवेशन पर कार्य कर रही है। IIT मद्रास में हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पर कार्य जारी है, जिसमें वैक्यूम उत्पन्न कर ट्रेन को ट्रैक से ऊपर मैग्नेटिक लेविटेशन के माध्यम से चलाया जाएगा। इस तकनीकी के सफल होने पर 300 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 मिनट में ही पूरी हो सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एशिया में सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब जो कि 410 मीटर लंबी है और शीघ्र ही यह विश्व की सबसे लंबी हो जाएगी। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि वैक्यूम में चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन को स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया गया है। यही नहीं, रेल मंत्रालय को परियोजना के लिए धन और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है और हाइपरलूप के लिए इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी ICF अर्थात इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में विकसित की जाएगी। बता दें कि ICF ने ही वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी सफलतापूर्वक विकसित किया है।
अधिक जानकारी हेतु बता दें कि IIT मद्रास के हाइपरलूप प्रोजेक्ट से जुड़े एक छात्र ने बताया कि वर्तमान में जो पॉड डिजाइन किया जा रहा है उसकी परिवहन क्षमता 1000 किलो है। इसका अर्थ है कि यह 11 व्यक्तियों या 1000 किलो भार के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है। यह भविष्य की परिवहन प्रणाली को अधिक तेज और कुशल बनाएगा। बता दें कि हाइपरलूप एक क्रांतिकारी परिवहन प्रणाली है जिसमें ट्रेन चुंबकीय तकनीकी से लैस पॉड पर चलती है और इस तकनीकी के अंतर्गत खंभों के ऊपर अर्थात एलिवेटेड ट्रांसपेरेंट ट्यूब बिछाई जाती है और इसके अंदर एक लंबी सिंगल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है तथा इसमें घर्षण ना होने के कारण इसकी गति 1100 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम ऊर्जा खपत करती है यह ट्रेन और यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होती है। आपको हम बता दें कि हाइपरलूप की तेज गति के माध्यम से दिल्ली से जयपुर की दूरी मात्र 30 मिनट में ही तय हो सकेगी। एक और महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि वैक्यूम ट्यूब में चलने के कारण बाहरी मौसम और हादसों का खतरा भी कम रहेगा, जिससे भारत में परिवहन के क्षेत्र में हाइपरलूप एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो सकता है। IIT मद्रास के छात्रों द्वारा किया जा रहा यह इनोवेशन देश के भविष्य के ट्रांसपोर्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। भारत में हाइपरलूप कब तक आएगा? यदि आप यह सोच रहे हैं तो आपको हम बता दें कि अभी इसकी टेस्टिंग कुछ छोटे स्केल पर हो रही है। पायलट प्रोजेक्ट 2027 तक मुंबई पुणे रूट पर हाइपरलूप के पहले सफल ट्रायल की संभावना है और यदि वह सफल रहा तो जनता के लिए पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट 2030 तक उपलब्ध हो सकता है। वहीं हाइपरलूप से भारत को क्या लाभ होंगे, इसकी जानकारी हेतु आपको हम बता दें, यदि भारत में हाइपरलूप आ जाता है तो इससे यात्रा के समय में बचत होगी क्योंकि ट्रेनों और फ्लाइट्स की तुलना में यह कई गुना तेज होगा। अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और नई नौकरियों के अवसर और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास भी होंगे। भारत में लॉजिस्टिक्स में सुधार भी होगा क्योंकि सामान की डिलीवरी सुपर फास्ट हो सकेगी। परंतु भारत में हाइपरलूप की चुनौतियां भी हैं, जैसे उच्च निवेश लागत क्योंकि इस तकनीकी को विकसित करने के लिए लाखों करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, सुरक्षा और विश्वसनीयता क्योंकि भारत जैसे घनी जनसंख्या वाले देश में इतनी तेज स्पीड पर ट्रेन को चलाना एक बड़ी चुनौती होगी, नियामक बाधाएं सरकार और रेलवे बोर्ड से कई प्रकार की स्वीकृतियां लेनी होंगी तथा तकनीकी समस्याएं, इस सिस्टम के लिए अत्यंत उन्नत तकनीकी और रिसर्च की आवश्यकता होगी। आपका क्या विचार है, क्या भारत में हाइपरलूप सफल हो सकता है? अभी तक आपने अधिकतम कितनी गति की ट्रेन में यात्रा किया है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, आशा हम करते हैं कि आपको हाइपरलूप ट्रेन परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।